कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं, ज्ञान को हथियार बनाकर कोई भी जंग जीती जा सकती है। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विवेक जैन द्वारा यह बायोरे पब्लिक स्कूल ओझरा के वार्षिक उत्सव समारोह में कहा गया। बायोरे पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कसरावत न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील सेवा समिति कसरावत श्री विवेक जैन साहब द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर भी कार्य किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा जब शिक्षा प्राप्त कर निकले तो व्यवसाय के लिए उन्हें भटकना न पड़े, उसके अंदर का आत्मविश्वास हो। साथ ही बच्चों को बताया कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं, ज्ञान को हथियार बनाकर कोई भी जंग जीती जा सकती है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। स्कूल की जिम्मेदारी है बल्कि वो घर के सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ निरंतर लगातार बात करते रहे कि कहीं बच्चे की सोच जो है वो गलत डेवलप तो नहीं हो रही है। बच्चे के साथ लगातार बातचीत करते रहें, ऐसा ना हो कि बच्चों को स्कूल भेजकर सिर्फ अपनी भूमिका पूरी कर ली कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं अच्छे नंबर ला रहे हैं तो बस। नहीं, इसके अलावा भी आपकी भूमिका होनी चाहिए कि बच्चे के साथ बैठे, समय बिताएं, उसके साथ लगातार बातचीत करें। खासतौर से जो आज के समय में है, शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक समय था जब युद्ध तीर कमान से लड़े जाते थे, तलवार से, भालों से लड़े जाते थे, मैदान में लड़े जाते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज के युद्ध तीर कमान तलवार भालों से नहीं लड़े जाते। जिंदगी कोई भी जंग जीतनी है तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान को हथियार बनाकर ही कोई भी जंग जीत सकते हैं। आज के समय में कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर आपके पास कलम है तो आप, और आपको ये पता है उस कलम को कैसे चलाना है, कैसे उसका उपयोग करें, उसको हथियार में तब्दील करना है, तो एक सेना जिसके पास तलवार भाले हो और एक व्यक्ति जिसके पास कलम हो लेकिन उसे पता है उसे चलाना कैसे है, तो उस पूरी सेना पर वो एक कलम वाला व्यक्ति हावी है। तो मैं सभी पेरेंट्स से भी आह्वान करूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।